राजकोट क्राइम ब्रांचे उत्तर प्रदेश और दिल्ली थी चोरायेली मोंघी दाट कार ने राजकोट में सस्ता भावे वेचवाना कौभाड़ो पर्दाफाश कर्यो। राजकोट शहर 150 फूट रिंग रोड बे पर पाड़ रोड टीलाड़ा चोकड़ी वावड़ी गाम रस्ता पास आवेला पार्सोली मोटर गेरेज में चोराव कार होवानी क्राइम ब्रांच पोलिस ने माहिती मळता पोलिसे गेरेज संचालक लोधिकाना कोठा पीपड़िया गामना राहुल भरत गीडिया ने सकंजामां ले गेरेज में पकड़ी पाड़ेली कार ने पूछपरछ करता भांडो फूट्यो हतो। राहुल गीडियाए गेरेज में चोराव स्क्रोपियो इनोवा ऑटोमेटिक मारुति ब्रेजा कार वेचवा राखी होवानी कबूलात आपी हती। पोलीसे राहुल ने अटकायत करी रूपया 23 लाख ने उपरोक्त त्रण कार कब्जे करी हती। क्राइम ब्रांचना पीआई वीके गठवीए जणाव्युं हतुं के कब्जे थयेली कार गाजियाबाद अने नोएडामांथी चोरी थयेनुं स्पष्ट थयुं छे। नोएडामां चालू वर्षमां 15 लक्ઝરિયસ कार चोरी थई छे। लक્ઝરિયસ कार चोराती गेंग रूपया 2.50 लाखथी मांडीने 3.50 लाखमां मोंघी कार आवा शख्सोने आपी देता होय छे। राहुल जेवा लोको मन फावे तेवी रकम वसूलता होय छे। परप्रांतीय वाहन चोर गेंग चोरेली कार राजकोट उपरांत गुजरातना अन्य शहेरोमां पण आ रीते वेचाती होवानी पोलीसने शंका छे। राजकोट क्राइम ब्रांचने एवी माहिती मळी हती के चालू वर्षे दिल्ली नोएडा विस्तारना पोलीस स्टेशनमां 10-15 जेटली मोंघी दाट कार चोरी थई होवानुं जाणवा मळ्युं छे। त्यारे राजकोट क्राइम ब्रांच द्वारा राहुलने चोराव कार वेचवा राजस्थानी शख्स शोधखोळ शरू करवामां आवी छे। त्यारे क्राइम ब्रांचने आशा छे के राजस्थानी शख्स झड़पाया बाद दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यमांथी चोरी थयेली फोर व्हील कारना अनेक गुन्हा डिटेक्ट थशे। अंतरराज्य जो गैंग था जो लग्जरी कार्स थी उनको चुराता था और गुजरात में उनको बेचा जाता था और इसका पर्दाफाश अभी क्राइम ब्रांच ने किया है। इसमें खासकर जो टीम थी इसका नेतृत्व पीएसआई श्री डीबी रवारी कर रहे थे और इन्होंने एक आरोपी है राहुल भरत भाई पटेल जिसका काम था कि ये एमपी नोएडा और अपने गौतम बुद्ध नगर में खासकर गाज़ियाबाद में जो दिल्ली के आउटर एरियाज़ हैं वहाँ पे चोरी करते थे लग्जरी कार्स लग्जरी एसयूवीज। और हमारे जो बातमी के आधार पे हमने राहुल भरत भाई पटेल को अरेस्ट किया है जिसके पास से हमने 3 गाड़ियां भी कब्जे में ली हैं, एक मारुति ब्रेजा, एक टाटा इनोवा और एक स्कॉर्पियो महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो ये इसके साथ इनके और भी आरोपी थे, इनका एक बहुत बड़ा गैंग था। ये इनके आरोपियों के भी नाम हमको पता चले हैं, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको ये माहिती हमने पहुँचाई है, उनके साथ शेयर की है ताकि वो अपने अपने विस्तार में आरोपियों की धरपकड़ कर सकें। और भी जो गाड़ियां इसने अभी तक बेची हैं उसकी भी माहिती हम लोग इकट्ठी करेंगे। उसके और भी जैसे अभी गौतम बुद्ध नगर में 10-15 गाड़ियां इस प्रकार की चोरी हुई हैं, तो इसमें कितनों में इसका रोल है, इसके साथ कितने लोग थे, ये सब का हमने अभी तक तपास की है, नाम भी खोले हैं और जिस जो कंसर्न पुलिस स्टेशन उनके साथ शेयर भी किया है। इतना जो भी हैं लोग कहते हैं लोग ले लेते होंगे बिना कागज़ के, लोग लेते भी हैं इस प्रकार की चोरी की गाड़ी, चोरी की बाइक भी बिकती हैं, गाड़ियां भी बिकती हैं। हितेश कुमार राठौर रिपोर्ट, एस9 न्यूज़ राजकोट।